इतिहासिक चटपट बन्नी मंदिर जिहड़ा कि पठानकोट तो 20 तों 25 किलोमीटर की दूरी के उपर स्थित हैगा। इस मंदिर के आस पास रातों रात जंगल जिहड़ा घना जंगल जिहड़ा वो बन गया सीगा। तुहानू सब तो पहले इस जंगल का दिखा देना चाहते हैं, ये देख सकते हो कि किसी समय इत्थे खेत होंदे सीगे और रातों रात ये जंगल बन गया और उस तो बाद इस मंदिर का नाम जिहड़ा चटपट बन्नी भी जिहड़ा वो मशहूर होया। लोग दूर दूर तो आते हैगे ने मत्था टेकन वास्ते, आसा मुरादा भी उन्हां दियां पूरियां होंदियां। लोगों के नाल भी गलबात करांगे और जिहड़े इत्थे प्रबंधक ने इस दे इतिहास बारे डिटेल दे नाल असीं उन्हां कोलों जाणांगे भी। मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं सिंबल चौंक तो आई हाँ। असी इस मंदिर बारे बड़ा ही सुनिया सी, असी अज दर्शन करने वास्ते आए हैं। इस बोलियां दो बोलियां बनी हुई हैं, उहदे विच सबदे दुख दूर कीते जांदे आ। तुसीं इत्थे मत्था टेकना है कि इत्थों दा मानता की है? मानता है सर कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है सर, ते काफ़ी सदियों तो पुराना मंदिर है सर, ते इत्थे बहुत शिवरात्रि दा बहुत तगड़ा मेला भी लगता है। हाँ जी, ते हर किसी दी मनोकामना पूरी होंदी है, जो भी तुसीं सुख के जाओ वो हर एक मनोकामना पूरी होगी इत्थे जी। हाँ जी, स्नान करने नाल कोई फर्क पैंदा? हाँ जी, बोलते हैं पुराने टाइम तो कि फर्क पैंदा है। इत्थे दी बहुत मानता वा जी, इत्थे चटपट बनी है जी, महाराज के दर्शन इत्थे जो मनोकामना सब पूरी होंदी इत्थे आई है जी। अभी पठानकोट आए दी हैं जी, बोलियां नहाना कई दुख दूर होंगे जी, कई हुए ने जी, जिन्होंने शक है वो जमा के वेखन जी वो भी होने। सर मंदिर मैं बहुत देर तक सोचता पाया आने वास्ते, मंदिर बहुत मानता भरिया मंदिर है, इतने बोलियां दुख दर्द तकलीफा दूर होंगे। बड़ी बड़ी कोशिश की पर कभी आया नहीं गया, आज मैं फर्स्ट टाइम आया, बहुत वधिया लगे मैंने उत्थे आके, बहुत कुछ सुनया, जो सुनया उस तो कई गुना वध पाया मैं। महंत जोगी शंकर नाथ जी की मानता की इतिहास है इस नाथ संप्रदाय के नाल बलून करता है। सिद्ध जोगी चटपन नाथ जी गुरु गोश नाथ के शिष्य 84 सिद्धां दे विच बाबा जी का नाम दर्ज है। अजर अमर अविनाशी युगो युगों ते तपस्वी संत साधु तपस्या करते आ रहे हैं इस धरती के उत्ते, पंजाब की धरती उत्ते, पूरे साडे देश की धरती उत्ते बड़े संत एक तो एक महापुरश तपस्वी होए हैं। इन्हां विचों सिद्ध जोगी बाबा चटपन नाथ जी जिन्हां ने एक ही रात विच इत्थे अपनी रचना खेडी है जिहड़ा कि चटपट बणी नाम तो जिहड़ा प्रसिद्ध होया। चटपट बणी नाम किस तरह पिया, एक रात दी बन दे कारण ही जंगल बन दे कारण परिवर्तन जमीन नूं बगदी जमीन नूं उपजाऊ जमीन नूं खेतीबाड़ी करदे हुए जो जमीन है उहनूं एक ही रात विच उहने जंगल दे रूप च परिवर्तन कर दिता, इसलिए इसका नाम चटपट बणी नाम ते प्रसिद्ध होया। जो चटपट बणी दो गुरु गोरख नाथ के शिष्य जोगी चटपन नाथ जी ने इत्थे आके दूना लगा के बैठ जांदे आ। इह चंबा क्षेत्र तो मणि मिस्त्र नाल भी इस जगह का संबंध है, तो राजा साहल दे वर्मन दे जो कुल गुरु हुए ना और अध्यात्म गुरु सिद्ध बाबा चटपन नाथ जी, तो चटपन नाथ जी का दूना और चंबा क्षेत्र में भी चलता है। जो सड़ी जाती है मणि मिस्त्र अंतिम सड़ी मुबारक बोलते हैं, तो सड़ी की यात्रा जी जाती है बाबा चटपन नाथ जी चंबे तो धूने तो निकलती है, तो मणि मिस्त्र यात्रा संपन्न होंगी है। तो बाबा जी के आशीर्वाद नाल राजा साहल दे वर्मन नूं संतान प्राप्ति जो उत्पन्न हुई थी और उन्होंने राजवंश अगे चलिया सी। तो सिद्ध जोगी चटपन नाथ जी इस क्षेत्र च जब पहुँचे मैदान थी एकदम खेतीबाड़ी लोग करते सी, धूना लगा के बैठ जाते बाबा जी, साधु संत तपस्वी धूनी के उत्ते अपना भजन करते हैं, धूनी के खाते पकाते हैं, धूनी के उत्ते बहिंदे आ, उहदे तप करते आ। इह धूनी की विशेष महत्ता दसी गई साधु संतां दी। तो नाथ संप्रदाय के बाबा जी धूनी लगा के जो बैठ जाते हैं, तो जिन्हें खेत से देखा खेत से कोई संत बह गया कोई धूना लगा के बैठ गया कल में यह कब्जा कर लेगा, तो नास्तिक लोग ही गुरु संत पीरां नूं जो नहीं जी मनने वाले, तो बाबा जी के कोल आए, उन्होंने बाबा जी नूं संदेश दिता, बाबा जी अगे बेनती की साडा ये खेत छड़ दिओ तुसीं कितें अगे पिछे चले जाओ, कल नूं तुसीं कब्जा कर लोगे तो इस करके साडा खेत छड्डिआ छड्ड दित्ते जाए अगे पिछे चले जाओ। तो बाबा जी तो अपने तप से इन्ना लीन से भजन च इन्ना लीन से उन्हें बाद दुनिया का कोई ध्यान नहीं सी, कोई ख्याल नहीं सी। और जदों बाबा जी दे बार बार उन्होंने लोगों ने आख्या कि बाबा जी साडा खेत छड्ड दो, बाबा जी कोई ध्यान नहीं करते, तो सोचने लगे बाबा जी पखंड कर रहे हैं, अखा बंद करके बैठ गए ना, तो साडी गल का कोई जिक्र नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे।
बाबा जी के उस टाइम के खेत जो बाहर रहे थे जमीन बोझ रहे थे बैल समेत सुहागा तो चढ़ाता उन्होंने बाबा से, तो बाबा जी की चेतना समाधि टूटी खुली, उन्होंने बाबा जी ने जिमीदार अगर बेतनी की मैनू भजन कर दो, मैं इतना बैठा रहूंगा, मैं भी चला जाऊंगा, आप थोड़े खेत हैं अपने धरे खेत आप खेती बाड़ी करो, आपका बसों से हरियाली रहेगी, सदा खेती बाड़ी उपजाऊ रहेगी, तो मुझे परेशान मत करो। तो बाबा जी जो कहने लगे, बाबा जी रात पड़ने वाली आप रातों रात जहाँ से चले जाओ और ये खेत छोड़ दो, नहीं तो सुबह आपको धक्के दे के यहाँ से निकालेंगे। तो बाबा जी ने सोचा भी ये तो मूर्ख लोग ने, इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है इस टाइम तक, अगर ज्ञान नहीं देंगे तो इनके अहंकार अगला वंश भी अहंकार हो जाएगा तो इन्होंने कौन समझाएगा। तो बाबा जी ने अपनी योग माया के नाल एक ही रात में बाबा जी ने रात 12 बजे तो लैके 4 बजे तक हिमाचल प्रदेश से वन इकट्ठा करना शुरू किया, जो पवन रूप से सारा वन इतने आया, कई तरह के पेड़ पौधे जिन्हों की कोई जान पहचान भी नहीं हो सकती, तो इस जंगल च विरासत हो गया, सारा जंगल रूप च बन गया, खेतीबाड़ी खेत जो लगभग 30-35 एकड़ भूमि से जंगल फैलिया हुआ है, और इस जंगल की मानता ये भी दसी गई है, बाबा जी ने इस जंगल में श्राप दिता, इस जंगल की लकड़ नहीं कोई छेड़ेगा, छेड़ेगा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो बाबा जी के तप के नाल जदों लोग सवेरे देखिया खेत ज जंगल रूप बन गया है, तो बाबा जी को आए दर्शन करने के लिए कि हमें कोई और श्राप ना लग जाए, जो बाबा जी की कृपा ना कहते हमारे ऊपर आ जाए कोई, तो बाबा जी के अगर क्षमा याचना मांग लेते हैं जाके, तो बाबा को आए तो बाबा ने दर्शन नहीं दिते, उन्होंने भी दर्शन देने जोगे नहीं पापी लोग ने, तो बाबा जी ने आकाशवाणी रस्ते उनको संकेत देता है जंगली लक्कड़ नहीं कोई सेड़ना, हाँ एक वरदान जरूर दिता है जंगली लक्कड़ सेव केवल शमशान भूमि मुड़ के लक्कड़ कम पा सकती है, वो तो माफी कह गई है। वो धूना बाबा जी का अखंड चलता लगभग 16-17 साल पुराना धूना अखंड चलता रात दिन, धूने की खासियत है कभी धूने से कोयला नहीं बनता है, इसे भगती बनती बाबा जी लकड़ी जो लगाते हैं, तो जो बाबा जी तो सुहागा चढ़ाता है कुछ दिनों बाद जमीन चो जल निकलना शुरू हो गया है, जो कुंडा रूप से विस्तार होया है, ये कुंडा में 3 कुंड चौथी जगह फुहारा निकलिया है, वो अज भी मौजूद है, जेरा भी कुंडा जरा नाम करना ग्रंथा में भी मौजूद है, यदा रुद्र कुंड विष्णु कुंड ब्रह्म कुंड नाम से व्याख्यत ही कुंडा के नाम आता है। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिता है कुंडा में जो स्नान करेगा वह खास पूरा फीसी स्किन कोर मौका ददरी ठीक हो गए, जिदे घर माता भैन दे संतान उत्पत्ति नहीं होंगी है, संतान नहीं लगती है, बच्चे गुजर जाते हैं या बच्चे सुकते हैं, वो भी इतने स्नान करते हैं, तो महा चटपना जी महाराज के आशीर्वाद के नाल घर गोदी हरी होंगी है। तो एक रात बंद चटपा बनी ना तो प्रसिद्ध होया, मतलब लगभग पठानकोट तो 12-13 किलोमीटर दूरी पर पैंता है, और अगर गुरदासपुर रस्ते आईए तो 20-22 किलोमीटर दूरी पर पैंता है, तो यह पंजाब प्रांत बहुत ही एक गौरवमय गाथा है चटपनाथ जी की, अजर अमर अविनाशी जिन्हों का कभी समाधि नहीं ली है, बाबा जी अमर है और मणि मिस इन्होंने संबंध जुड़ता है। तो इस जगह के उत्ते जो भी संत श्रद्धालु आते हैं उन्होंने विशेष प्रबंध भी मंदिर वालों किया गया, जरा कि उन्होंने 24 घंटे लंगर भोजन की व्यवस्था रहने की व्यवस्था की गई है, और मेला जो लगता विशाल बड़ा मेला लगता, 3 दिन शिवरात्रि का बड़ा विशाल मेला लगता, जिदे विच अनेक प्रांतों के लोग इतने बाबा जी के दर्शन करने आते हैं, धूनी के प्राचीन धूनी के और शिव भोले के जल चढ़ा के अर्पण करते हैं। तो विसाखी का त्यौहार जन्माष्टमी दिवाली का बड़ा प्रमुख त्यौहार जो मनाए जाते हैं, तो ये चटपमणी का इतिहास बाबा जी के नाम दर्ज है। जय बाबा चटपनाई की जय भोलेनाथ। तुम देखा कि असं जो लोग इतने मत्था टेकने वास्ते आए थे उन्होंने गलबात भी की है, उन्होंने भी दसिया कि इस मंदिर की काफ़ी महानता हैगी है, दूर दूर तो आते हैं, मेले भी लगते हैं, और इतने जोड़े जोड़े इतने मंदिर की देखरेख करते हैं जोड़े जोगी जी महाराज इतने इस समय है, उन्होंने भी गलबात हुई, उन्होंने भी इसका इतिहास जोड़ा उसके उपर जी रोशनी भी उन्होंने पाई हैगी है, जिस तरह इन्होंने दसिया कि इतने चटपट जोड़े महाराज जोगी जी महाराज जोड़े से वो तपस्या करते पे है सके, और जिस किसान की जमीन सी उसने खाली करवाने की कोशिश की तो उसने जरा अपने बैल और जो हल सगा वो उस उन्होंने जोगी जी महाराज जेडे कि यह तुम वेख सकते हो ये तप स्थान जोड़ा उन्होंने हैगा इतने बैठ के वह तपस्या करते थे और चारों तरफ खेत ही खेत सके, उस किसान ने जोगी जी महाराज के उपर जो हल चला दिता, तो उस तो बाद जोड़े इतने जोड़े खेत से रातों रात वो जंगल बन गए, उस तो बाद इस जो मंदिर का नाम जो चटपट बन्नी के नाम न मशहूर होया, लोग दूर दूर तो आते हैं मत्था टेकते हैं,
और अपन आसा मुरादा जड़िया इस मंदिर के आके पूरिया भी करवाते हैं। पठानकोट तो कैमरामैन अनमोल के नाल गुरप्रीत सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़।